मैं डॉक्टर आशुदीप शर्मा, यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट, जसवीर हॉस्पिटल फगवाड़ा। हमने आपके साथ काफ़ी टॉपिक्स डिस्कस किए आज तक। आज एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ, वो है पस इन स्पर्म्स। पस इन स्पर्म्स का मतलब है स्पर्म्स में इन्फेक्शन या स्पर्म्स में ल्यूकोसाइट्स। जैसे आप अपनी रिपोर्ट्स देखते होंगे तो लास्ट में एक लाइन लिखी जाती है पस सेल्स, पस सेल्स 5 to 6, 7 to 8, 10 to 14, ऐसे करके आपके स्पर्म रिपोर्ट में, स्पर्म एनालिसिस में, सीमेन एनालिसिस में आती है। तो अब इसका मतलब क्या है स्पर्म्स, पस इन स्पर्म्स का? पस सीधी सीधी जो है डायरेक्शन में आप बताती है कि आपको इन्फेक्शन है स्पर्म्स के अंदर, और अगर इन्फेक्शन पस के कीटाणु हैं तो इसका मतलब वो आपके स्पर्म्स को खा रही है, आपके स्पर्म्स को इन्फेक्ट कर रही है और उन्हें अपना काम करने नहीं दे रही है। तो दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। अगर तो ज़्यादा पस है तो इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। कारण अब इसके क्या हैं पस के? पस के जो मेन कारण होते हैं, या तो आपको जेनाइटल ट्रैक्ट में कहीं से इन्फेक्शन है, यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकती है, यूरिनरी इन्फेक्शन के बाद स्पर्म्स में इन्फेक्शन चले गई, टेस्टिस में इन्फेक्शन चले गई, उसके कारण आपके स्पर्म्स में पस आ रही है, या फिर हो सकता है कि आपके यौन संबंध पार्टनर्स 2-3 पार्टनर्स से ज़्यादा हों, उनके कारण इन्फेक्ट हो गए हैं आप। उस स्थिति में आप में भी इन्फेक्शन होगी, सब में इन्फेक्शन होगी। तो उसके कारण क्या होगा, जो आपका कैपेबिलिटी होगी आपके स्पर्म्स की अपना काम करने की, वो बिल्कुल कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि वो किसी भी हालत में फर्टिलाइजेशन नहीं होने देंगे, और अगर फर्टिलाइजेशन होगी भी तो फर्टिलाइजेशन जो है सक्षम फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, जिसके कारण जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, वो बनेगा नहीं। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप टेस्ट के बाद अगर आपको लगे, वैसे तो आपके डॉक्टर आपको सलाह देंगे एंटीबायोटिक्स का कोर्स अपनी आदतें सुधारनी। फिर वही पे बात आ गई, सोशल जो अपनी आदतें हैं, ड्रिंकिंग, अल्कोहल एंड फूड हैबिट्स, ये सुधारनी ताकि इन्फेक्शन को एकदम ख़त्म कर दिया जाए। थोड़ी सी भी इन्फेक्शन रह जाएगी, एक अगर आपने पूरा कोर्स नहीं किया और उसके बाद 4-5 दिन सिर्फ एंटीबायोटिक्स खा के छोड़ दिए, और एंटीबायोटिक्स भी आपके कल्चर के अकॉर्डिंग टू होने चाहिए कि स्पर्म में किस तरह की बैक्टीरिया है, उसके लिए जो एंटीबायोटिक्स कारगर हैं वही एंटीबायोटिक्स खाने हैं आपने, और मिनिमम 21 डेज़ का कोर्स हम करवाते हैं अपने यहाँ पे, ताकि इन्फेक्शन को जड़ से उखाड़ दिया जाए। नहीं तो कम कोर्स में, 5-6 दिन के कोर्स में इन्फेक्शन तो चले जाएगी टाइम बींग के लिए, लेकिन फिर बचे कुचे फिर से बढ़ जाएंगे, बिकॉज बैक्टीरिया डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। सो इसका मेन मकसद ये है बताने का कि इन्फेक्शन को दूर रखिए अपने से, अपनी हैबिट्स, सोशल हैबिट्स सुधारिए, और अगर इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट पूरी तरह एंड तक ट्रीटमेंट करिए। थैंक यू।